हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का सपना है उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का, और इसी के संदर्भ में लखनऊ में 13 से 15 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के आधारभूत संरचनाओं और औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करना है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों हमारे मुख्यमंत्री स्वयं मुंबई और देश के अन्य हिस्सों के उद्योगपतियों, व्यापारियों और निवेशकों से मिलकर उन्हें उत्तर प्रदेश में भी निवेश करने को प्रोत्साहित कर चुके हैं। विद्यार्थियों, किसी भी राज्य में निवेश कब आता है? निवेश तब आता है जब उस प्रदेश की कानून व्यवस्था, सड़कें, रेल या कनेक्टिविटी अच्छी होती है। और आप जानते हैं कि पिछले करीब 6 वर्षों से योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश को बदल दिया। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 2.5 लाख करोड़ के आसपास थी। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 6.5 लाख करोड़ के आसपास है। उत्तर प्रदेश की जीडीपी 2017 के पहले 12 लाख करोड़ के आसपास थी, और आज के तारीख में उत्तर प्रदेश की जीडीपी लगभग 24 लाख करोड़ के आसपास है। विद्यार्थियों, इस तथ्य से आप समझ सकते हैं कि जब एक तपस्वी, यशस्वी, तेजस्वी मुख्यमंत्री को सेवा करने का अवसर मिलता है तो इस तरह से हमारे उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होता है, और यह परिवर्तन आप सभी देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद के लिए। जो आज का प्रोग्राम है उसके तहत हमारे स्कूल के विद्यार्थियों ने छोटा सा प्ले तैयार किया है, और परफॉर्मेंस इज गोइंग ऑन एनी आइडिया इन व्हिच एंटरप्रेन्योर इज गोइंग टू पिच देयर आइडिया अहेड ऑफ क्लास, सो प्लीज वेलकम आवर फाइव क्लास फॉर इन्वेस्टमेंट। सिंगल विंडो पोर्टल, निवेश मित्र,
एमओयू का मॉनिटरिंग पोर्टल, निवेश सारथी, ऑनलाइन इंसेंटिव मैनेजमेंट सिस्टम का 25 निवेश फ्रेंडली औद्योगिक नीतियों के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अग्रणी राज्य है। आज उत्तर प्रदेश देश के सबसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाले राज्यों में शामिल हो चुका है। राज्य में 6 एक्सप्रेसवे पूर्ण हो चुके हैं, 7 एक्सप्रेसवे विकसित किए जा रहे हैं। प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क उपलब्ध है। हमारे यहाँ 3 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट संचालित हैं और 2 निर्माणाधीन हैं। वर्तमान में 9 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं और 10 एयरपोर्ट पर कार्य जारी है। भारत के पहले अंतरदेशीय जल मार्ग का हल्दिया वाराणसी पर संचालित हो गया है। उत्तर प्रदेश भारत की GDP में 8% का योगदान दे रहा है। वर्ष 2022-23 में प्रदेश की GDP लगभग 21 लाख करोड़ होने का अनुमान है, जो वर्ष 2016-17 के GDP के सापेक्ष 65% की वृद्धि दर्शाता है। इस दौरान प्रदेश की अर्थव्यवस्था औसतन 11% की दर से बढ़ी है। आज उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। पिछले 5 वर्षों में जिसमें वैश्विक महामारी कोरोना कालखंड में उत्तर प्रदेश एशिया का 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला प्रदेश है। इस क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश में किया गया और उसमें से कुछ फोकस सेक्टर यहाँ पे हैं। उन 25 सेक्टर में से जिन पर ज्यादा ध्यान किया जा रहा है वो सेक्टर यहाँ है। निवेश किया जाएगा फूड प्रोसेसिंग एंड डेयरी, हैंड टू हैंड टेक्सटाइल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए टूरिज्म, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस एंड एरोस्पेस, ये सेक्टर हैं। इसके अतिरिक्त कुछ थ्रस्ट सेक्टर हैं जहां पर बात की गई हमारे आसपास दुनिया के यानी वैश्विक हॉस्पिटैलिटी और हाइजीन के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। माय क्वेश्चन इज सर, अगर कोई बच्चा या सर विद्यार्थी जो चाहता हो स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस चालू करने पे, जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना हो, जो चाह रहा हो कि कुछ स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस चालू करना हो, तो क्या सर क्या आइडिया है और क्या मैनेजमेंट से, किस मैनेजमेंट से वो अपना बिजनेस चालू कर सके, और क्या जो तो इसे हम लोग एक्वायर कर सकते हैं अगर जो हम लोग विद्यार्थी हैं, तो अगर हम स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइज चालू करना चाह रहे हैं तो क्या हम इस फंडिंग को एक्वायर कर सकते हैं, वी आर एलिजिबल? जैसे हेलमेट का आइडिया तो आ गया आपने बनाए से, आपके पास आइडिया है तो एक बिजनेस मॉडल भी आपको तैयार, कौन होंगे पोटेंशियल बायर, कौन होंगे पैसा पाने के लिए पैसा लगाता है, और उसको एक सिक्योरिटी भी चाहिए कि कहीं आप पैसा डुबा न दें और ऐसे